हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास 8 कंप्यूटर सब्जेक्ट्स में लैब एक्टिविटी लेकर आई हूं, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर में प्रैक्टिकल में क्या करवाया जाता है। इससे पहले भी मैंने क्लास 8 के कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स के टॉपिक्स की वीडियो डाली है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालू। आज का प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि क्या हम करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में है, ओपन एमएस वर्ड एंड परफॉर्म फॉलोइंग एक्टिविटी। एमएस वर्ड को सबसे पहले हमें ओपन करना है, उसके बाद उसमें ये एक्टिविटीज को करना है। पहली एक्टिविटीज, ओपन ए न्यू ब्लैंक वर्ड फाइल। सबसे पहले एक न्यू ब्लैंक वर्ड फाइल ओपन करना है। फिर टाइप बिलो पोएम इन द डॉक्यूमेंट एरिया। फिर हमें डॉक्यूमेंट एरिया में पोएम को टाइप करना है। नेक्स्ट सी, क्लिक द ऑन फाइल टैब, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। नेक्स्ट सी में हमें फाइल टैब में जाकर इसे सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन टाइप द माय मदर इन द फाइल नेम एंड सेव द डायलॉग बॉक्स। फिर वहां पर हम फाइल नेम की जगह माय मदर टाइप करेंगे और डायलॉग बॉक्स सेव एज डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक द सेव बटन टू सेव द फाइल, और सेव बटन को क्लिक करके अपनी इस फाइल को हम सेव करेंगे। तो चलिए इसको हम इस प्रकार करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसे हम देखते चलते हैं। तो पहला है अपना एमएस वर्ड को ओपन करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट बटन पर जाएंगे, और यहाँ पे अगर आपको एमएस वर्ड नहीं दिख रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करके यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 को ओपन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहा जा रहा है इसमें, ओपन ए न्यू ब्लैंक वर्ड फाइल। न्यू वर्ड फाइल हमें ओपन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कंट्रोल प्लस एन करेंगे, या फिर हम यहाँ से ऑफिस बटन पर जाएंगे और न्यू पे क्लिक, देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट। ये हमारी ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलकर ओपन हो गई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टाइप बिलो पोएम इन द डॉक्यूमेंट एरिया। ये जो पोएम हमारा लिखा हुआ है इसे हमें डॉक्यूमेंट एरिया में लिखना है। तो चलिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो हमने यहाँ पे खोला है इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ये फाइल पोएम जो है इसे हमें डॉक्यूमेंट एरिया पे टाइप करना है। तो डॉक्यूमेंट एरिया हमारा जो ये खाली ऑप्शन खाली पेज जो दिख रहे हैं इसे हम डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। पोएम हमारा किस प्रकार टाइप किया हुआ है चलिए देख लीजिए। यहाँ पे पोएम है, सो ब्लेस बाय यू मॉम अ मदर हु ऑलवेज केयर्स। ये हमारा देखिए बीचों बीच लिखा गया है, यहाँ से आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं, ये बीचों बीच हमारा लिखा हुआ है। तो पोयम को हम बीचों बीच कैसे लिख सकते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले ये अलाइनमेंट हम सेंटर पर क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। पहला लेटर हमारा कैपिटल है, तो शिफ्ट के साथ एस को प्रेस करेंगे, फिर सू ब्लेस बी एल ई डबल एस ई डी ब्लेस्ड बाई यू कॉमा मॉम। हमारा कैपिटल है, जो भी बड़ा आपका कैपिटल है उस लेटर को आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके कैपिटल करेंगे। नेक्स्ट एंटर की दबाकर हम नेक्स्ट लाइन पर आएंगे। इसी प्रकार पूरे पोयम को हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर एक साथ मैं आपको लिखकर बता देती हूँ, यहाँ पर हम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं ताकि आप इसे लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट इसको पेस्ट करके पूरे ले आते हैं, और इसे भी हम एडजस्ट कर देते हैं। ये हमारा 14 साइज है, तो इसे भी हम 14 करके बोल्ड कर देते हैं। ये हमारा पोयम पूरा बीचों बीच सेंटर पर लिखा गया है। यहाँ से हमारा लाइन स्पेस इक्वल करना है सभी में, तो लाइन स्पेस ऑप्शंस पे जाके यहाँ पर हम 0 ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा पूरा पोयम लिखा गया है। नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में क्वेश्चन कहा जा रहा है, नंबर बी, टाइप बिलो पोएम इन डॉक्यूमेंट एरिया, इससे हमने लिख लिया है। नेक्स्ट नंबर सी, क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड क्लिक द सेव बटन। नेक्स्ट हमें फाइल टैब पे जाना है, यहाँ से गए और सेव ऑप्शन पर हमें जाकर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करेंगे, और यह सेव बॉक्स में यहाँ पर हमें टाइटल देना है माई मदर। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम माई मदर लिख रहे हैं।
फिर शिफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमा को हमें प्रेस करना है, और ये डायलॉग बॉक्स जो है सेव का ऑप्शन है, इसे हमें क्लिक करना है। तो इस प्रकार ये फाइल हमारी सेव हो गई, और ऊपर टाइटल बार में आप देख रहे हैं माय मदर, ये हाइलाइट्स हो रहा है। इसे आप देखने के लिए इसे हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये हमारा माय मदर, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये अपना हाईलाइट है। तो इस प्रकार हमने इसको सेव कर दिया है। तो ये हमारी एक्टिविटी थी, फाइल को सेव कैसे करना है, फाइल को ओपन कैसे करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या करना है। थैंक यू।